लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. फर्स्ट वी शैल डेवलप द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट इन द चैप्टर ऑफ सर्किल क्लास 10. यू हैव स्टडीड दैट इफ ए लाइन एंड ए सर्किल आर गिवन देन Either the line is intersecting the circle in two distinct points or it is completely outside the circle or it is outside the circle but touching the circle at a point P. This line touching the circle at a unique point, one and only one point, is called टेंजेंट. तो टेंजेंट के ऊपर जो लाइन है उसको देखें ध्यान से. इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए सीकेंट. ये सीकेंट है. सीकेंट को हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं. अच्छा, यही सीकेंट मान लीजिए मैं यहां से सरकाना शुरू करूं, सरकाते 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 पैरेलल एक स्थिति आएगी कि वो सर्किल के बाहर निकलते समय सर्किल को एक पॉइंट पर टच करेगी. तो टच करने वाली लाइन टेंजेंट कहलाएगी. हिंदी में इसको स्पर्श रेखा कहते हैं. अब ये सर्किल की केस में टेंजेंट आपने अच्छे से सीखा हुआ है, समझा हुआ है और कंसेप्ट इज क्लियर. यहां हम फंक्शंस की जब बात करते हैं तो लेट अस डेवलप द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द फंक्शन. सपोज दिस इज आवर सिस्टम ऑफ एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड दिस इज सम कर्व. Equation of the curve will be denoted as y is equal to f of x. Consider this line which is a secant to the circle. As it is intersecting in two distinct points, say P x1 y1 and Q x2 y2. P x1 y1 and Q x2 y2 are two points on the curve through which a line is passing. This line is a secant. अब किसी भी लाइन की अगर ये वाली secant x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन से साई एंगल बनाती है तो हम स्लोप ऑफ secant क्या कहेंगे. क्लास 11th में आपने पढ़ा है स्लोप ऑफ सीकेंट. सीकेंट मतलब लाइन. दैट इज डिनोटेड बाई डी साई बाई डी एक्स, सॉरी टेन साई. टेन साई इज द सीकेंट. अभी उसका डेरिवेटिव से कंसेप्ट हम लोग डिराइव करेंगे. अब ध्यान से देखिए ये दोनों पॉइंट नियर बाई पॉइंट्स हैं. ये ऐसे लाइन में खींच दे रहा हूं तो ये पहला पॉइंट x1 डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट x2 डिस्टेंस पे है. ओके, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली होगी और इसको बोलेंगे हम x2 माइनस x1 या डेल्टा x. x2 माइनस x1. अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए तो ये भी डेल्टा एक्स होगा. अब ये वर्टिकल डिस्टेंस में ये वाई वन है और यहां से यहां तक दिस इज वाई टू. तो ये वाली जो ऊपर वाला पोर्शन होगा कौन सा, क्यू आर. मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. तो ये जो क्यू आर पोर्शन है यहां राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. दिस विल बी डेल्टा वाई एंड डेल्टा वाई विल बी नथिंग, इट इज वाई टू माइनस वाई.
आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब इमेजिन करें कि ये जो एंगल है, एंगल आर पी क्यू, इट शुड बी सेम एज साई बाय द कंसेप्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इन ट्राइंगल व्हाट विल बी टेन साई, टेन साई विल बी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मींस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब सपोज लेट अस कंसीडर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स मतलब ये वाला जो डिफरेंस है वो जीरो की तरफ बढ़ने लगा, तो देखिए क्या होगा कि अगर डेल्टा एक्स को हम थोड़ा सा कम करेंगे तो ये क्यू पॉइंट यहां आ जाएगा, और जब क्यू पॉइंट यहां आ जाएगा तो सीकेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, सीकेंट विल बी लाइक दिस। अभी भी वो सीकेंट है बिकॉज पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इमेजिन कि जब डेल्टा एक्स जीरो के बहुत करीब हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग केस में जब क्यू पॉइंट पी पे आ जाएगा, तब आपको बोलेंगे सीकेंट ड्रॉ करो, तो आप उसको इस प्रकार से ड्रॉ करो। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन हैज बिकम व्हाट, टेंजेंट। तो ये जो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने Q पॉइंट को P के करीब, यानी Q को P के पास मिला है, ये Q जो है वो कर्व के अलोंग P पे चल रहा, P पे जैसे ही आया वो तो लाइन ऐसे तो हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ लाइन इज नॉट, हम उस लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो, यानी क्यू पॉइंट पी के करीब जा रहा है, करीब जा रहा है, करीब जा रहा है। अंतिम केस क्या हो सकती है, क्यू विल बी द पॉइंट, क्यू विल कोइंसाइड विथ पॉइंट पी। ओके ठीक है, अब ये टेंजेंट बन गया, इसका मतलब ये जो स्लोप है अभी सीकेंट की, ये टेंजेंट की स्लोप कब बन जाएगी? टेंजेंट कौन सा है हमारा, ये वाला टेंजेंट है। मान लो टेंजेंट एंगल बना रहा है थीटा, तो टेन थीटा वास्तव में क्या होगा, टेन थीटा होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और डिफरेंशियल कैलकुलस में इस सिंबल के लिए खास सिंबल बनाया गया है जो आपने पढ़ा है, वो है डी वाई बाई डी एक्स। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स कहां होगा, एट पॉइंट पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। अब जो मुद्दे की बात है जो हमें याद रखना है वो ये है कि अगर हमें कर्व की इक्वेशन दी है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट की स्लोप निकल जाएगी। जब टेंजेंट की स्लोप निकल जाएगी तो टेंजेंट की इक्वेशन बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। अब ध्यान से देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, लेट दी गिवन कर्व बी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये कर्व अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, है ना। अब मान लो हमसे बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट है उस पर निकालो, तो हम बोलेंगे एम विल बी इक्वल टू वॉट,
dy by dx at x1 y1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई। अब पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज x1 y1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy by dx at x1 y1, इसको हम थोड़ी देर के लिए m बोल देते हैं। तो 11th क्लास में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन जिसकी स्लोप दी हो और पॉइंट जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है वो दिया हो, तब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। वंस अगेन इस फैक्ट को स्वीकार करें बच्चों कि 11th क्लास का जो सिलेबस है वो 12th क्लास के लिए रीढ़ की हड्डी है। इट्स द बैकबोन ऑफ 12th क्लास सिलेबस, एंड व्हेन इट इज बैकबोन ऑफ 12th क्लास सिलेबस यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू विल हैव टू रिव्यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। सो व्हाई देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at p x1 y1 will be what, y minus y1 is equal to dy by dx in at x1 y1 into x minus x1। है वो वही 11th क्लास वाला कंसेप्ट। 12th क्लास का एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर, कि जो स्लोप निकाली जा रही है वो डेरिवेटिव के माध्यम से निकाली जा रही है और आपको वो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके स्लोप निकाल लेना है। बाकी तो y माइनस y1 बराबर m इनटू x माइनस x1 ही अप्लाई करना है। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म विल बी द बेसिक कंसेप्ट फॉर गेटिंग दिस कंसेप्ट। ओके, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब इसके साथ हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मान लीजिए आपने इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, दिस इज द टेंजेंट। तो एक लाइन हम यहां पर ऐसी खींच सकते हैं जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, this angle is 90 degree. So this is the line that is perpendicular to tangent at that point P, whatever point was given. So this line is known as normal. Normal को हिंदी में अभिलंब कहते हैं। हिंदी नाम में आपकी वोकैबुलरी हिंदी में बढ़े, शब्दकोश बढ़े, इसलिए बताता हूँ। तो इसको अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी शब्दों का हमें ज्ञान होता है जीवन में वो हमारे काम के लिए होते हैं। तो टेंजेंट को स्पर्श रेखा, नॉर्मल को अभिलंब कहते हैं। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन की, अब यदि टेंजेंट की स्लोप m थी तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, माइनस वन अपान m। ऐसा क्यों, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस क्लास 11th में आपने पढ़ा है m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर देखिए आप m में अगर माइनस वन अपन m का इंटू करते हैं तो माइनस वन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल की स्लोप है वो स्लोप होगी माइनस वन अपन m। तो नॉर्मल की जब स्लोप पता चल रही हो, पॉइंट तो कॉमन है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत आसान हो गया। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, ये क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस वन अपान स्लोप कितनी थी, dy by dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इंटू dy by dx at x1 y1
और इसको प्लस इधर ले आइए तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज ऑल्सो क्लियर, सो लेट मी एक्सप्लेन सम कैलकुलेशन वर्क विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज आपसे कहा गया वन मार्क क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एट माइनस वन कॉमा टू। अब सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट व्हाट वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन वॉज द कर्व, डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, therefore slope of tangent at minus 1 comma 2 वो होगी m is equal to value of derivative at minus 1 comma 2। तो कितना हो जाएगा, अब यहां minus 1 comma 2 रखना है मतलब x की वैल्यू minus 1 रखना है और y की वैल्यू तो राइट हैंड साइड में है ही नहीं, तो वो 2 छोड़ दीजिए, 2 into minus 1 that will be minus 2 and slope of normal क्या होगी, तो वो normal की slope minus 1 upon n होती है, तो minus 1 upon minus 2 that will be equal to 1 by 2। अब अगर आपने normal की और tangent की slopes निकाल ली है तो मुझे पूर्ण विश्वास है equation of नॉर्मल भी हम निकाल पाएंगे, तो मैं उसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अगर इस सवाल में तो नहीं है मगर सेम प्रॉब्लम ऐसा भी तो सकता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, तो प्रॉब्लम विल बी द सेम, तो मैं उसको फर्दर आगे बढ़ा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट माइनस वन कॉमा टू इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम कितना होगा माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन इज माइनस वन, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे माइनस। अच्छा बच्चों यहाँ आपने देखा मैंने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाया था, फिर बाद में ध्यान आया कि माइनस वन, तो हमें थोड़ा सा सजग रहना है कि अगर वैल्यू जैसे आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस माइनस वन, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चूंकि अभी इसके ऊपर एक और ब्रैकेट अवेलेबल है इसलिए ऐसा लिखना मैथमेटिकली रॉन्ग माना जाता है या ठीक नहीं दिखाई देता ऐसा माना जाता है। तो जब भी अच्छा दूसरी बात, अगर आप ऐसा लिखेंगे x माइनस माइनस वन तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि एक साथ दो सिंबल ऑपरेशनल सिंबल्स वहां पे अप्लाई नहीं किए जा सकते, तो यूज ऑफ ब्रैकेट प्रॉपर ब्रैकेट्स मेक्स यू स्मार्ट राइटर इन मैथमेटिक्स। सो दिस इज y माइनस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन माइनस इंप्लाइज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई किसकी इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल की इक्वेशन भी यहां से बहुत आसानी से निकाली जा सकती है।
equation of normal at minus 1 comma 2 is again y minus y1. अब स्लोप की जगह आप नॉर्मल की स्लोप डालिए, तो नॉर्मल की स्लोप जो है टेंजेंट की स्लोप का माइनस वन अपान होगी, तो ऐसा लिख दीजिए. और एक्स माइनस एक्स वन यानी अगेन माइनस वन, तो एक्स माइनस माइनस वन. दिस इंप्लाइज वाई माइनस टू इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वन. दिस इंप्लाइज टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. इसको उस तरफ ले जाए तो एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव. अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन में एक चीज समझ लें आप, इन दोनों में कनेक्शन होता है. अगर नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है आपको 2x प्लस y, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या करना है आपको, उसके लिए आप x और y के कोफिशियंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए और जो y का साइन बदल दीजिए, तो x माइनस टू है. लेकिन आप इक्वल टू जीरो नहीं, प्लस कोई कांस्टेंट आएगा लैम्डा. अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू 5 है क्योंकि माइनस वन कॉमा टू पॉइंट पर हमने उसको इवेलुएट किया हुआ है. तो इस प्रकार से आप लोग इक्वेशन को देख कर भी समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. कि इसकी स्लोप यहाँ से निकालेंगे तो ये उस तरफ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स, तो एक्स का जो कोफिशियंट होता है वो स्लोप है, तो इसकी स्लोप माइनस टू है. इसको उस तरफ ले जाइए और टू से डिवाइड करिए तो वाई इक्वल टू हाफ एक्स प्लस फाइव बाई टू होगा. एक्स का कोफिशियंट हाफ है तो देखिए नॉर्मल की स्लोप हाफ. तो ये सारी चीज़ें इलेवेंथ क्लास से कनेक्टेड हैं और बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं. तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था बच्चों. अब जो प्रॉब्लम्स का नेचर है वो डिफर कर सकता है. जो जो आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है वो सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं. अब इसमें कुछ बातें और देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आ गया. किसी भी पॉइंट पे आपने स्लोप निकाली और स्लोप जीरो आ गई. स्लोप जीरो होने का मतलब है टेंजेंट इज पैरालेल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. अच्छा, अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस टाइप से आ गई नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, या जैसे सिचुएशन आई कि सम कांस्टेंट अपॉन जीरो वाली सिचुएशन आ गई, ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 है और टेन थीटा 90 है, मतलब स्लोप नॉर्मल टेंजेंट जो है वो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स. ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है. तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मान लीजिए आपको दो कर्व की इक्वेशन दी, अब इन कर्व के बीच का एंगल निकालना है, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो डिफाइन कैसे किया गया है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व का टेंजेंट खींचिए, पहले कर्व का टेंजेंट और ये दूसरे कर्व, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन कर्व्स कहलाएगा. सो एंगल बिटवीन द कर्व्स इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो क्या होगा, ये टेंजेंट होगी और ये नॉर्मल होगा उसके लिए, तो दोनों की प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा. तो टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल यानी
intersecting at right angles if and only if angle between their tangents at the point of intersection is a right angle. तो दो कर्व ऑर्थोगोनल हैं ये चेक करना है, तो दोनों कर्व की इक्वेशंस, दोनों कर्व की से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स जब निकल जाएगा तो उनकी उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लीजिए टेंजेंट्स की, और स्लोप निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनका प्रोडक्ट निकालिए, और प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो माइनस वन आएगा, अगर माइनस वन आता है तो डिक्लेयर कर दीजिए कि दोनों कर्व से एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, यह दोनों ऑर्थोगोनल हैं। अब हम इसमें प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, एक सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3 at the point where it cuts x axis. अब देखिए पॉइंट नहीं दिया है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन आपको निकालनी है, और टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में जो फंक्शन भी दिया है वो ऐसा है कि जिसमें यू अपान वी यानी प्रोडक्ट रूल 100% लगेगा। तो पहले वाला पॉइंट हम पता कर लें, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y is equal to x minus 7 divided by x minus 2 into x minus 3 at the point where number 1 cuts x axis we must have y equal to 0। ध्यान दीजिए इस बात पे, और अभी हमारे डिस्कशन टाइम में गूगल मीट पे हम लोग इस बात पे और क्लेरिफिकेशन कर लेंगे अगर कहीं कोई डाउट है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रही है तो उस पॉइंट पर y की, क्योंकि x एक्सिस के पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए y बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x माइनस 7 विल बी 0, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर गिवन पॉइंट इज व्हाट 7,0। अब ये एक एक्स्ट्रा काम था, नॉर्मल प्रॉब्लम में क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, वो जैसे -1,2 पिछले पॉइंट में दिया हुआ था, लेकिन यहां पर हमें पॉइंट खुद निकालना पड़ा। अब पॉइंट निकालने के बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल
बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई तो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इजली निकल जाएगी माइनस वन अपॉन एम करके। तो आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को। अब मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग नंबर वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन आपने नोट की हुई है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव का जो भी नॉलेज था आपने सीखा है, उस नॉलेज को आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। फंक्शन यू अपान वी की फॉर्म में है और डेरिवेटिव आप यू अपान वी क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स माइनस सेवन का वन होगा। अच्छा माइनस न्यूमरेटर एज सच, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम रफ कॉपी में ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स माइनस फाइव, क्योंकि अदरवाइज अगर आप मल्टीप्लाई करके वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो कैलकुलेशन लेंथियर हो जाएगी। तो बगल में रफ में ये दिखा दीजिए कि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स, और उसका डिफरेंशिएशन करने से टू एक्स माइनस फाइव आता है। तो हियर यू राइट टू एक्स माइनस, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस टर्म्स को ओमिट करना और अपने वर्क को सिस्टमेटिक और नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन टू या फोर्टीन माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस नाइनटीन एक्स, और ये माइनस इंटू होगा तो प्लस नाइनटीन एक्स सेवन फाइव या थर्टी फाइव माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। ओके न्यूमरेटर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस ट्वेंटी नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 19 माइनस फाइव फोर्टीन एक्स, और 6 माइनस थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन इज अपान एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। अच्छा एक ये जो सिंप्लीफिकेशन हमने किया है ये सिंप्लीफिकेशन 100% रिक्वायर्ड नहीं है। आपने ये डेरिवेटिव निकाल लिया, आप यहाँ पर भी 7,0 रख सकते हैं। अगर यहाँ रखने में आपको सुविधा होती है तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आराम से निकल जाए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या आया था हमारा 7,0, तो वो हो जाएगा m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट 7,0। तो डी वाई 7 रख दीजिए माइनस 7 का स्क्वायर 49, 14 इंटू 7 98 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 7 माइनस टू 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 60। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 49 माइनस 29 नौ दो 18 चार दो छः चार 78, इसमें 98 प्लस करेंगे तो 0 to 20 बचेगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16 फाइव फोर जा फाइव फाइव जा फोर वन जा फोर फोर जा वन अपान 20। तो 1/20 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई तो अब हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना बहुत आसान हो गया। देयरफोर इक्वेशन ऑफ
tangent at 7, 0 is y minus y1 equal to m into x minus x. This implies 20y equal to x minus 7 implies x minus 20y is equal to 7. This is the equation of now. Tangent. Equation of normal निकालने के लिए पहले हमको slope of normal निकालना पड़ेगा. तो लिखेंगे slope of normal at 7, 0 is equal to minus 1 upon dy by dx यानी 1/20. तो that is equal to minus 20. Therefore equation of normal, it is very easy, y minus y1 equal to slope into x minus x implies y equal to minus 20x plus 140. ये जाएगा 20x plus y is equal to 120, या इसको लेफ्ट में भी रख सकते हैं एक ही बात. अब आप देखिए कांस्टेंट का डिफरेंस आ गया, जो x का कोफिशिएंट था वो y का बन गया, जो y का कोफिशिएंट था वो x का बन गया, और जो y का साइन था वो चेंज हो गया. तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गई. इस प्रकार से टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. बच्चों मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार से इसमें आपके लिए कठिन कुछ भी नहीं है. तो आज जो है इस प्रकार के एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको करने हैं. मैं मार्क कर देता हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, वो असाइनमेंट आप इस्तेमाल कर लेंगे. और फिर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल पर एक और क्लास रखेंगे, जिस क्लास में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस करेंगे. फॉर टुडे माय लेसन ओवर हियर. आई होप ऑल माय स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल एंड दे आर रेडी टू डू द असाइनमेंट. थैंक यू.